As you know that its name is Siva is in English Joe. तो जैसा आपको पता है इसके नाम के मुताबिक ही काम है. बहुत आसानी से इंग्लिश ग्रामर को सिखाने का प्रयास रहता है मेरा मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में. आप सभी का स्वागत है. और आज हम जो बात करेंगे उसी सीरीज में नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेटिव सेंटेंसेस पे. इसमें हम जानेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते वक्त किन नियमों का विशेष ध्यान रखते हैं, क्या कुछ इसकी खासियत होती है, क्या कुछ नए परिवर्तन बनते हैं इसमें, इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे. तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए. और जैसा मैं आपको पहले से ही बता दूं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए, शेयर करिए, लाइक दीजिए, व्यूज दीजिए. तो आइए शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है. देखिए, जब किसी वाक्य के द्वारा, किसी सेंटेंस के द्वारा कोई ऐसी फीलिंग्स जो मैंने फिलहाल चार लिख रखी हैं, प्रार्थना की जाए, अभिवादन किया जाए, अभिशाप दिया जाए या कोई गहरी इच्छा व्यक्त की जाए, तो ऐसे भाव को लेकर जो सेंटेंस निर्माण किए जाते हैं उन्हें हम ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य की संज्ञा देते हैं. मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि जो प्रार्थना, अभिवादन, इच्छा और अभिशाप जैसे भावों को लेकर सेंटेंस बनाए जाते हैं उन्हें इच्छा सूचक वाक्य यानी ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. अब बात आती है कि इसको इनडायरेक्ट में बदलते वक्त किन सावधानियों को रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफी परेशान होते हैं ऐसे सेंटेंसेस को टेकल करने में. वजह क्या होती है? वजह होती है इस पर उनका अभ्यास कम हो पाना, और दूसरी वजह क्या होती है? इनके भावों को न समझ पाना. मैंने पूरा प्रयास किया कि इसको ज्यादा से ज्यादा सरल तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाऊं. तो आइए सीधे डिस्कस करते हैं. इस तरह का जो ऑपरेटिव सेंटेंस है बहुत बहुत आसान बनाया मैंने उसको, सिर्फ तीन नियमों में समेटा है. अगर तीन नियमों पर आप गौर फरमा देंगे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा. क्या है वो तीन नियम? देखिए, पहला नियम कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई गुड विश हो, यानी कोई अच्छी इच्छा हो, यानी इसको सद इच्छा कह सकते हैं, बैड विश हो यानी किसी के लिए मन में बुरे ख्याल हो, बुरी इच्छा हो, या आप प्रार्थना करते हैं, तो अगर ये तीनों भाव आपके रिपोर्टेड स्पीच में उत्पन्न हो रहे हैं तब आप करेंगे क्या? आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब विश में जब गुड विश होगी, बैड विश होने पर कष्ट, आपको पता होगा अभिशाप देना या अभिशप्त होना इसका मतलब होता है. तो जो बुरी इच्छा है आपके मन का उद्गार है उसमें, जैसे आप किसी को आवेशित होकर के गालियां देते हैं जैसे कि तुम मर जाओ, भांड में जाओ वगैरह वगैरह, तो ये सब बुरे इच्छा के भाव है, तो उसको हम कष्ट में बदल देंगे. अगर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने मित्र के लिए कर रहे हो, किसी के लिए, तो उसकी जगह हम प्रेड लगाते हैं. बहुत सतर्कता पूर्वक सुनिएगा. सदिच्छाओं के लिए विश्व, बुरी इच्छाओं के लिए कष्ट. ईश्वर से प्रार्थना की दशा में आप प्रेड का इस्तेमाल करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करें, ठीक है? और अगर वाक्य में मे है तो माइट में बदल देते हैं. इसका सतर्कता पूर्वक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता कि हर ऑपरेटिव सेंटेंस में मे आए, तो जहां आएगा मे उसे आप माइट में बदल देंगे. फिलहाल मैं लिख देता हूं क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता है. अगर मे आया सेंटेंस में तो उसे आप माइट में अवश्य बदल देंगे, ठीक है? इतना आप ध्यान रखिएगा. फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, इस तरह से अभिवादन को दर्शाने वाले अभिवादन, जिसको आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे का अभिवादन करते हैं, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो यहां पर हमें कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है.
ऐसे सेंटेंसेस में मे का भी प्रयोग नहीं होता है, तो जाहिर सी बात हमें न कनेक्टर चाहिए न मे का माइट करना है। सिंपली करना क्या होता है कि आपको अपने रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को विस्ड में बदल देना होता है। और फाइनली सेंटेंस को असर्टिव, क्योंकि हर बार मैं सिखाता आया हूँ आपको कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चाहे जो भी हो असर्टिव है तो ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव रहा होगा तब भी मैंने कहा कि असर्टिव में बदलेगा, इंपरेटिव होगा तब भी असर्टिव में ही बदलेगा, और आज फिर मैं कह रहा हूँ अगर ऑपरेटिव है तब भी वो असर्टिव में ही बदलेगा। तो असर्टिव तो हर बार बदलेगा, आप कह सकते हैं लास्ट में मैंने तीनों के लिख रखा है। तो फिर से एक बार रूल नंबर टू बताता हूँ, जब अभिवादन स्वरूप आप किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड डे कहते हैं तब आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब को विस्ड में बदलेंगे। यहां ऐसे सेंटेंसेस में मे नहीं आता है, इसलिए माइट की संभावना खत्म हो जाती है और कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप सोच रहे हैं कनेक्टर क्यों नहीं जब आप रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे में सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब नहीं होती है, तो सिर्फ अभिवादन स्वरूप कुछ फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए यहां पे हमें कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। रूल नंबर थ्री, जब हम किसी से विदाई लेते हैं, विदा होते हैं, अलग होते हैं, तो गुड बाय कहते हैं या फेयरवेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी दशा में आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बेड, बी ए डी ई, आपको पता होगा कि बिड बी आई डी की सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने लिखा कि गुड डे सॉरी गुड बॉय और फेयरवेल में आप रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलेंगे और फाइनली सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। मैंने इस पूरे रूल्स पर जुड़े हुए आप देख पा रहे होंगे मैंने 7 एग्जांपल लिख रखे हैं, एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ विशिष्ट रूल हैं इसमें जो विशेष तौर पे बदले जाएंगे, वही आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है सामान्य चीजें तो सबको पता होती हैं और विशिष्ट चीजें भूल जाते हैं, और आपको पता ये भी होगा कि परीक्षा में थोड़ा सा हट के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम सामान्य नियमों को अप्लाई कर देते हैं और फाइनली हम नंबर नहीं पाते, चूक जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं, ही शेयर्ड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। तो पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप अपने रिपोर्टेड स्पीच से ये पता करने की कोशिश करिए कि इन तीनों रूल्स में कौन सा रूल फाइनली आ रहा है। इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ एक अच्छा भाव कि आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, यानी ये एक शुभ इच्छा है। जब शुभ इच्छा है तो हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को विस्ड में बदल देंगे। तो बहुत सामान्य तरीके से इसको समझते हैं, सैड टू को क्या करेंगे, विस्ड में बदल देंगे। फिर क्या होगा, मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद आप बैट लगा लीजिए। फिर ये देखिए आपको पता है ऑक्सिलरी, यहां पर सेकेंड पर्सन बदलेगा मी से आई हो जाएगा, मैंने बता रखा कि मे का आप माइट कर लीजिए, ये माइट हो गया और आगे वर्ब है लगा दिया आपने, सेंटेंस इस तरह से इंटरचेंज हो गया, बहुत इजी है। दूसरे सेंटेंस पर देखते हैं, He said to her, May you die. अब देखिए आप मर जाओ, कहीं से भी शुभ संकेत नहीं दिख रहे हैं, ये बैड विश है, तो हम क्या लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब कर्स्ड का यूज करेंगे, यानी कि he said to की जगह अब यहां पर देखिए कर्स्ड लगाना पड़ेगा और ये हर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए मे यू डाई मरने की बात की जा रही है। अब कनेक्टर क्या लगाएंगे, दैट हो जाएगा, ठीक, अब यू है यहां पे आएगा, शी हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा और डाई। आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कर्स्ड क्यों हुई, क्योंकि यहां की फीलिंग निगेटिव थी, बैड फीलिंग थी, बैड विश थी, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि माइट एक ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, और मॉडल ऑक्सिलरीज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। अब थर्ड सेंटेंस में चलते हैं, आई सेड टू सीता मे गॉड, गॉड यानी प्रार्थना की जा रही, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। बहुत ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगा, देखिए क्या है वो, आई सेड टू है,
मैंने कहा ईश्वर की प्रार्थना है, तो यहां पर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड बदलेंगे। अब याद रखिएगा ऐसी दशा में हम यहां प्रेड के बाद सीता नहीं लगाए। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है क्यों नहीं लगाए, ध्यान दीजिए आई प्रेड सीता नहीं, आई प्रेड सीता यानी मैंने सीता से प्रार्थना की, क्या यह सच है? बिल्कुल मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना की, तो आई प्रेड क्या प्रे की मैंने, बस यही खत्म कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको होल्ड रखिए, अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो विशेष सावधानी रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां प्रोनाउन है तो उसको भी मैं बता रहा हूं कैसे बदलेगा, सतर्क रहिएगा। आप यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, आई प्रेड हो गया, यहां आप अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो मामला गड़बड़, क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ना कि किसी व्यक्ति विशेष से, हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आई प्रे। अब जाहिर सी बात हमें कनेक्टर चाहिए दैट, अब आगे बढ़ते हैं गॉड इसका सब्जेक्ट हुआ क्योंकि फाइनली असर्टिव बदलना है, गॉड मे का हो गया माइट। अब ब्लेस, अब यहां पर यू, ये यू किसके लिए, सीता के लिए, ध्यान दीजिएगा ये सबसे अलर्ट रहने की जगह है, अगर यहां पर सेकेंड पर्सन के हिसाब से पहुंच रहा हूं तो मुझे सीता मिला। तो जनरली अभी तक के नियमों में आपने ये सीखा है कि हम सीता है तो इसके प्रोनाउन को ले, यानी कि हर लेते हैं, यहां पर हम प्राथमिकता नाम को देते हैं, कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन है तो हम नाउन को एज इट इज लिखेंगे, ऐसे दशा में प्रेड वाली दशा में और कहीं नहीं, सिर्फ प्रेड की दशा में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन है तो हम नाउन को एज इट इज लिखेंगे, यानी मैं यहां सीता लिखूंगा, अगर यहां प्रोनाउन हर होता तो मैं यहां हर लिखता, ये तो सामान्य चीज है कि प्रोनाउन था तो प्रोनाउन बदल देते, लेकिन ये नहीं अभी तक सिखाया सिखाया होगा किसी ने या अभी तक के सेंटेंसेस में कि नाउन को भी सीधे सीधे लिखते थे, उसकी प्रोनाउन रखते हैं लेकिन यहां पर नहीं रखते, यहां पर अगर नाउन प्रेजेंट है तो हम नाउन को ही लिखेंगे। अब आगे जो लिखा है सीता विद अ सन, ये आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया, इसे आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं चौथे सेंटेंस पर बढ़ते हैं, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग, यहां पर मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, इवनिंग या कुछ भी आता तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब को विश्व में बदल दें, ही विश्व, फिर आगे द टीचर, ही विश द टीचर, क्या टीचर को विश किया भाई, जो विश किया उसे आप लिख दीजिए, ही विश द टीचर गुड मॉर्निंग, ये बहुत आसान, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना होता, सीधे सीधे सेंटेंसेस को आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं पांचवें सेंटेंस पे, आई सेड गुड मॉर्निंग फादर, हाँ यहां सतर्क रहिएगा, यहां पर फादर को नॉमिनेटिव के साथ एड्रेस के रूप में यूज किया गया है क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, तो आपको सिखाया गया है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बाहर कर लेते हैं, लेकिन यहां बाहर करने के साथ एक और सावधानी रखनी है, आई विश गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग फादर यानी मैंने अपने पिता सुप्रभात, अपने पिता को, तो अपने पिता तो माई फादर कैसे यूज करेंगे, सावधान रखिएगा, एक फिर से स्पेशल तरीका है, क्या लिखेंगे हम आई विश्ड, अब यहां मैं फादर नहीं लिखूंगा माई फादर, क्योंकि मैंने अपने पिता को आई विश्ड माई फादर, ये स्पेशली सतर्क रहने वाली चीजें हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा आई विश्ड माई फादर गुड मॉर्निंग, मैंने अपने पिता को सुप्रभात गुड मॉर्निंग। अब और देख लेते हैं आपके, अब आप अगले सेंटेंस को देखिए, सी सेड टू मी गुड बॉय, विदा ले रही है, विदाई हो रही है, तो विदा या विदाई के सेंस में मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल दीजिए, कुछ खास काम नहीं बचता इसमें, यानी शी सेड टू की जगह हम लिखेंगे बेड, मी क्या गुड बॉय, गुड बाय। अब अगले पे चलते हैं, द लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड्स, फिर वही देखिए नॉमिनेटिव के साथ एड्रेस अंदर है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बाहर कर लेंगे,
और फेयरवेल यानी फिर विदा का भाव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बैडली यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? द लीडर, ठीक है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब बैड। इसको इन्होंने कहा माई, माई है तो जाहिर सी बात लीडर अगर मेल माने तो हिज हो जाएगा, फीमेल माने तो हर हो जाएगा। मैं मेल मानते नहीं कर रहा हूं। द लीडर बेट हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स क्या कहा? फेयर। ये बहुत ही देखा आपने, आसानी से इसको बदल दिया जाता है। कुछ सतर्कता की आवश्यकता भी पड़ती है, तो सतर्कता वो विशेष रूप से आप बरतिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब हम प्रफुल्लित होते ही नहीं तो बहुत आसान सा मिल गया तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे अवसर पर सतर्क जरूर रहिए। जैसे मैंने आपको बताया सीता के बारे में और माय फादर का यूज जैसे किया गया है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच की फीलिंग्स पर विशेष फोकस करिएगा, उसी के बेस पे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते चलते एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, व्यूज दीजिए। ओके, थैंक यू।